तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे हमने टॉपिक्स या बहुत सारे हमने टर्म्स को डिस्कस किया। उसमें हम लास्ट बात जहाँ पे खत्म किए हुए थे वो था प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में। उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे। हमने लास्ट क्लास में जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस मैंने बताए थे उनमें दो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को डिस्कस किया था। एक बार थोड़ा सा उसको रिमाइंड में करा दे रहा हूँ। जो फर्स्ट हमने प्रॉपर्टी उसको जो डिस्कस किया था वो था कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कहने का मतलब ये था कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पर जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, उसका वैल्यू बदलता नहीं है। कंजर्व कहने का मतलब होता है कि उसका वैल्यू कभी भी बदलता नहीं है, जितना रहेगा उतना ही रहता है जो भी हो। जो नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था वो था पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, और ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से भी काफी इम्पोर्टेंट है। इस बात को समझना कि पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, यहाँ से बहुत सारे सवाल क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और पोलराइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज पाया जाता है, जो भी नेट चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पे जितना भी चार्ज होता है जो कि 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। सो सपोज दैट, मान लीजिए अगर किसी एक बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज हो, 2 कूलम का चार्ज हो, तो ये जो नेट चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे पाए जाने वाले चार्ज का ही गुना होगा, एक गुना, दो गुना, तीन गुना। सो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इनवेरियंस ऑफ चार्जेज। या इनवेरियंस ऑफ चार्ज, ये इनवेरियंस ऑफ चार्ज क्या है, इस बात को थोड़ा, ये थोड़ा सा नया टॉपिक है, ये सॉरी नया टर्म है, इसको हम थोड़ा बढ़िया से समझते हैं। इनवेरियंस ऑफ चार्ज कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि हमने पहले एक बात ये बताया हुआ था कि चार्ज और मास में कुछ सिमिलैरिटीज है, वो क्या है कि दोनों ही मैटर के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। तो दोनों ही मैटर के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होते हैं, फिर भी इन दोनों में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि मास का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या मैटर के वेलोसिटी के साथ में वो बदलता है। ये हम आइंस्टीन के दिए गए सूत्र से या उसका जो एक्सप्रेशन है उनके द्वारा दिए गए एक्सप्रेशन से बहुत अच्छी तरह हम इस बात को समझ सकते हैं। ये है अभी बियॉन्ड स्कोप है, इसको अभी हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस इन बातों को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। वो ये है कि मास का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी मैटर के स्पीड, कहने का मतलब ये है कि उसका स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरिजन में कितना है या जो भी हो उसके स्पीड पे भी उसका मास डिपेंड करता है। अगर किसी भी मैटर का स्पीड जितना बढ़ता है उसका मास का न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम लोअर क्लासेस में हम बच्चों को बता देते हैं या हम आपको बताया भी गया होगा कि मास क्या है, मास एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, मास बदलता नहीं, पर ऐसा नहीं है, मास भी बदलता है और वो मैटर के स्पीड पे डिपेंड करता है। तो यहां पर अगर हम, तो कहने का मतलब यह है कि मास जो है उसका वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं होता है, लेकिन चार्ज के साथ ऐसा कोई बात नहीं है, चार्ज के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है। और चार्ज का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मान लीजिए सपोज दैट किसी मैटर पे या किसी ऑब्जेक्ट पे अगर 2 कूलम का चार्ज हो तो उसका स्पीड आप चाहे या जितना भी हो उसका स्पीड आप बढ़ाइए, उसका वेलोसिटी को बढ़ाइए, स्पीड को बढ़ाइए सॉरी, तो उसके चार्ज के न्यूमेरिकल वैल्यू पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और चार्ज की इस प्रॉपर्टी को, द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज, दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इनवेरियंस ऑफ चार्ज, और इसी को हम बोलते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज। तो हमको लगता है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे इस प्रॉपर्टी को, इनवेरियंस ऑफ चार्ज क्या होता है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें, हम सभी जानते हैं कि मास का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है
वो स्पीड के बढ़ने के साथ में उसका भी वैल्यू बदलता है, पर चाल का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो कभी भी बदलता नहीं है, चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो गति है करने का, तो उसका जो स्पीड है वो चाहे कितना भी इंक्रीज करे, पर उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसपे जो पाया जाने लगे उसपे जो चार्जेस है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बदलता नहीं है। दैट इज कॉल्ड इनवेरियंस ऑफ चार्जेस। इसको अभी हम नोट डाउन याद करेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, दी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी डज नॉट चेंजेस व्हेन इट्स स्पीड चेंजेस। आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि इनवेरियंस ऑफ चार्ज क्या होता है, तो नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आप लोगों ने मिटाते हैं इसको, हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है वो ये है कि चार्ज जो होता है वो हमेशा मास के साथ में एसोसिएटेड होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर जब तक किसी अगर कहीं पे मास है तो ऑब्वियस है कि वहां पे चार्ज होगा ही होगा। अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखते हैं, अगर हम वहां पर कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में किसी प्रकार का कोई मास नहीं है, तो इट मीन्स कि मतलब चार्ज के होने के लिए ये जरूरी है कि मास हो। और यहाँ पर फाइनली हम उस बात को कह सकते हैं, उसी बात को जो मैं पहले कह चुका हूँ, ये बता चुका हूँ आप लोगों को, वो ये है कि चार्ज का जो संबंध होता है, जो रिलेशनशिप होता है, वो मैटर के साथ होता है। मैटर है तो चार्ज रहेगा ही रहेगा, चार्ज है एनी हाउ वहां पर मैटर प्रेजेंट है ही है, क्योंकि इन सारी चीजों का संबंध, मैटर का जो संबंध होता है वो मास से होता है। Always related to mass. It means that इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, एक मिनट सर, एक मिनट सर, हो गया 9 मिनट हो गया, बड़ा जल्दी हो गया, हो गया। हाँ तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने पीछे 2 लेक्चर किए, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात को कंप्लीट करके यहाँ पे जहाँ पे बात को छोड़ा था वो था प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज, चार्जेज के क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। आज उसी बात को, उसी टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे।
उसमें डिफरेंट बहुत सारे हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज के हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि जब भी कोई एक चार्ज स्टैटिक कंडीशन में होता है, मैंने शुरू में चैप्टर को शुरू किया था उस समय एक छोटा थोड़ी मोड़ी मैंने बात बताई थी चार्जेस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में कि जो चार्ज होता है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, किसी भी चार्ज के थ्रू में सर्टेन पोटेंशियल किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे अराइज होता है। उसी सब बातों को यहाँ पर थोड़ा हम उनको यूज करेंगे, थोड़ा यहाँ पर उनको हम लिंकअप करेंगे। वो बातें क्या क्या है कि जब भी कोई चार्ज एक स्टैटिक कंडीशन होता है, ध्यान से बातों को सुनिएगा कि हमने तीन चार प्रॉपर्टीज और बात की थी कि एक चार्ज के थ्रू में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और एक चार्ज के थ्रू में किसी सर्टेन पार्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल अराइज होता है। हम इस सारी बातों को आगे डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा सब्र रखिएगा। तो एक चार्ज जो है वो किस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है या इलेक्ट्रिक फील्ड जेनरेट करता है, कब वो मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट करता है, और वो कब उसके थ्रू में कहीं पर भी पोटेंशियल अराइज होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चार्ज, ध्यान से सुनिएगा कि चार्ज जब भी स्टैटिक कंडीशन में होता है, कहने का मतलब ये है कि वो कहीं पर रेस्ट अवस्था में हो या रेस्ट के कंडीशन में हो, इन दैट कंडीशन एनी चार्ज ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं कि जब भी कोई चार्ज कहीं पर भी रेस्ट के कंडीशन में होता है, इट इज इन रेस्ट कंडीशन देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को यहां पर हम लिख ले रहे हैं या अभी लिखेंगे हम, तो चलिए आगे हम सारी बात को पूरा डिटेल में ही बता दे रहे हैं कि जब भी कोई चार्ज, फिर से बता रहे हैं कि जब भी कोई चार्ज है किसी पार्टिकुलर जगह पर रेस्ट कंडीशन में होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और वही चार्ज जब मूव करने लगता है, चलने लगता है, कहने का मतलब है उसमें स्पीड आ जाती है। तो जैसे ही किसी चार्ज में स्पीड आ जाती है तब एक नए तरह की प्रॉपर्टी वो अपना शो करने लगता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इस बात को थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा और ध्यान रखिएगा। वो क्या है, मैंने कहा कि जब भी कोई चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वही चार्ज जब मोशन में आ जाता है, कहने का मतलब उसमें सर्टेन स्पीड आ जाता है, तो वो क्या प्रोड्यूस करने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड। इंक्लूड मतलब कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ऐसा नहीं है कि जब चार्ज मोशन में आ जाता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही प्रोड्यूस करता है, ऐसा नहीं है। जब वो चार्ज मोशन में आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से प्रोड्यूस कर ही रहा होता है, साथ साथ में उसको क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। और एक और इसमें बात है, वो समझने वाली बात क्या है कि अभी तक हमने क्या बात की, हमने दो बातें की कि चार्ज रेस्ट कंडीशन में, तो रेस्ट कंडीशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब मोशन रहता है तब मोशन में हमने एक बात यहां पर नहीं कही कि वो एक्सेलरेटेड हो, हमने कहा कि उसमें सर्टेन स्पीड हो, वो मोशन में हो, कहने का मतलब वो कांस्टेंट मोशन के साथ मूव कर रहा तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता। अगर मान लीजिए हम बात करें कि वही मोशन तो एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड भी हो सकता है, तो कहने का मतलब है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेटेड मोशन भी कर सकता है और नॉन एक्सेलरेटेड भी कर सकता है। तो जो ही चार्ज पार्टिकल अगर नॉन एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर वही चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन करने लगे, कहने का मतलब उसमें एक्सेलरेशन हो, वो एक्सेलरेटेड मोशन के साथ में मूव कर रहा हो, तब वो क्या करता है कि वो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। वो क्या प्रोड्यूस करने लगता है, रेडिएशन प्रोड्यूस करने लगता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। इन सारी बातों को हम आगे के चैप्टर्स में, पूरे 12th में आगे के चैप्टर्स में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस अभी क्या है कि इन बातों को थोड़ा थोड़ा बस आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। तो एक बार फिर से इन सारी बातों को हम कंक्लूड कर दे रहे हैं। वो क्या है कि जब भी कोई जो इस मतलब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में इन सारी बातों को डिस्कस कर रहे हैं वही इनके सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है, ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखने वाले हैं आपको मैंने बताया, वो क्या है कि चार्ज जब भी कोई चार्ज स्टैटिक कंडीशन में होता है, जब स्टैटिक कंडीशन में होता है
तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज जब मोशन में आता है तब मतलब कॉन्स्टेंट मोशन के साथ मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वही चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन करने लगे उसमें एक्सेलरेशन हो जाए तो बस बात समझ जाइए कि वो क्या प्रोड्यूस करेगा, रेडिएशन। और रेडिएशन को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। तो चलिए ठीक है, इन बातों को ध्यान से समझ लीजिए और फिर यहाँ पर हम नोट डाउन कर रहे हैं उसको लिख भी दीजिए। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या क्या है, इन दोनों ने जो अभी तक डिस्कस किया वो ये है, स्टैटिक कंडीशन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉन्स्टेंट मोशन, यहां पर बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कॉन्स्टेंट मोशन, देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड पॉइंट में आप लोग नोट डाउन करिएगा कि व्हेन ए चार्ज डज एक्सेलरेटेड मोशन इट ऑल्सो प्रोड्यूस रेडिएशन। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, देखिए नोट डाउन कर लिए। चलिए इन चीजों को मिटाते हैं।